सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 गेम खेलते होंगे और बहुत सारे एंजॉय भी करते होंगे। इस गेम के अंदर आपको पता ही है कि अगर हमें स्टेडियम को अनलॉक करना है तो हमें कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आज के वीडियो के अंदर ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए हम बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके इन सारे स्टेडियम को अनलॉक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास फिलहाल 27,018 पॉइंट्स अवेलेबल है। अगर हमें कौन सा भी स्टेडियम को अनलॉक करना है तो हमारे पास और ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हम हमारे स्टेडियम को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए हम अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अच्छे से देख लो, जो भी 27,018 पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने इसको इंक्रीज करके बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें अपने गेम को एग्जिट करना है। गेम को एग्जिट करने के बाद आप जो भी अपने एप्लीकेशन को डिलीट करते हो, बैकग्राउंड टास्क वो करना है आपको। तो उसके लिए जो भी वर्ल्ड क्रिकेट था उसको हमें एग्जिट कर देना है, यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद हमें हमारे मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद मैं एडवांस सेटिंग में जाता हूँ और हमें सिर्फ अपना डेट और टाइम चेंज करना है। आप सभी के मोबाइल में डेट एंड टाइम रहता है, उसको चेंज करना है। तो हमें डेट एंड टाइम पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को ऑफ करना होगा। याद रखिए, जो भी सेटिंग बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तभी आप पॉइंट्स कमा सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक टाइम जोन को भी ऑफ कर देना होगा। उसके बाद एक मेन चीज़ ये करना होगा आपको, सेट डेट पर आना होगा और जो भी आपका साल चालू है, सपोज यहाँ पर 2017 चालू है तो इसको 4 साल आगे लेके जाना होगा, 2021 कर देता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। सिर्फ हमें इतना ही सेटिंग करना है और ये सेटिंग हमें बार बार रिपीट करना है ताकि हम बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर सके। तो चलिए हम अपने गेम को ओपन करेंगे। गेम ओपन करने से पहले आपको याद रखना कि इस गेम को रिफ्रेश करना होगा, जो मैंने आपको बताया था, जो बैकग्राउंड टास्क है उसको रिफ्रेश करना होगा। तो चलिए हमारे गेम को ओपन करते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो भी बोनस पॉइंट है यहाँ पर शो होगा। तो आज के दिन हमें 500 पॉइंट्स कॉइंस मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्लेम पर क्लिक करना होगा। क्लेम पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारे 500 पॉइंट्स है वो हमारे पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। तो आपको मैं लाइव डेमो भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें पॉइंट्स भी ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मेरे जो पहले पॉइंट्स है वो 27,018 पॉइंट्स थे। अभी आप देख सकते हैं कि जो 27,518 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। तो जो भी 500 पॉइंट्स मुझे मिल गए बोनस के तौर पर वो मेरे इसमें ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स में जमा करके जो भी स्टेडियम उनको अनलॉक कर सकता हूँ अपने पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर आपको भी पॉइंट्स बहुत सारे चाहिए तो आपको भी जो भी स्टेप आता है उसको सेम टू सेम फॉलो करना है। जैसे आप उसको फॉलो करोगे तो आपके एक दो दिन में आपके 50,000-60,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी मैंने 2021 किया है, उसके बाद आप उसको 2022 करो। 22 करने के बाद जो भी हमारी गेम है उसको रिफ्रेश करो, जो भी बैकग्राउंड टास्क रहते हैं उसको रिफ्रेश करो, फिर से हमारी गेम को ओपन करो, फिर हमें 500 पॉइंट का बोनस यहाँ पर आ जाएगा, उसको क्लेम करो। ऐसे आपको बार बार करता रहने, 2022 करने के बाद 2023 करो, 2024 करो, 25 करो, ऐसे एक साल को बढ़ाते जाओ और अपने गेम को बैकग्राउंड टास्क में रिफ्रेश कर दो। फिर आप अपने गेम को ओपन करो, जैसे गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर बोनस पॉइंट के लिए लिख के आ जाएगा, उसके ऊपर क्लेम पर क्लिक कर देना, तो आपके पॉइंट्स 500 पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये ट्रिक आपके मोबाइल में काम कर गई तो नीचे कमेंट में कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर भी जा रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं या नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।